Beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarita and Stevie K. Okay, today guys, we're watching Kapil and Shweta quarrel over a sweet vendor. Yeah, it's Comedy Circus ka Naya Daur. Kapil Sharma, guys, obviously you guys know that we've been doing Kapil Sharma show, either post postmortem or his current show. Yeah, let us know which other ones you want us to do. But during that, loads of people have requested us to check out his Comedy Circus as well, so you know, and I thought, okay, something different. This is one, and the other one that was sent, there's a few that sent, but these are the top two kind of thing that were requested. And there's a couple meets Savita Babi. It was a choice of one or the other, and we've gone with this one because I had more requests for this one. But check what this is like. If there's any more that you guys want us to react to, then do let us know, send us the links. And if there's any other comedy shows or comedy scenes or anything else you want us to react to, also send us the links and let us know. Shall we have a look? Mm-hmm. Here we go. फूलों का कत्ल कर आए हम वाह 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 मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर आए हम मिटाने गए थे पाप अपने जहां एक और पाप कर आए हम फिर भाई दो बार मोहब्बत की है मैंने एक बार तो लड़की के साथ भी समझो पहली बार अपने देश से मोहब्बत की दूसरी बार पारो से किसी और से शादी कर ली उसने और शादी भी किसके साथ की साला गली का मोटू छक्कन हलवाई साला पेड़ जैसा दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया क्या भी किया मैंने उसके लिए विकलांग डोनेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया उसके भाई को जूते दिलाए मैंने उसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था मैंने उसको रेडियो दिलाने के लिए सगेताओं की नसबंदी कराई जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो आदमी नसबंदी कराता है सरकार उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है सच्चाई है मेरे को कहती है रेडियो ठीक नहीं है खराब मौसम में काम नहीं करता मेरे ताऊ को देख जाके घर का मौसम खराब हुआ पड़ा जब से इसको पता चला ना कि नसबंदी पे रेडियो मिलता है चला गया ये भी कितना चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में एलसीडी चाहिए लाख रुपया खर्च किया मैंने पारों पे गम इस बात का नहीं है कि लाख रुपया खर्च किया गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकों से आते हैं फिर मैं चंद्रमुखी के पास गया एक पारो मेरे को भाव नहीं डालती चंद्रमुखी कहती है मेरे कोठे पे आया करो मैंने कहा तेरे मुजरे में क्या खासियत है कहती मेरे को मुजरे के साथ साथ कराटे भी आते हैं तेरे को पेमेंट पहले चाहिए आज मैं पारो के गांव आया हूँ पारो की माँ की आंख ए पारो बाहर निकल अपने बाप का खून पिया दो इज एक्टिंग गुड though ओह वाओ मिठाइयां भी होनी चाहिए साले ने बाहर लेके रखा
ये उनका पार्ट टाइम जॉब है, वैसे इसे क्या पता क्या मिठाइयाँ बनाते हैं वो। क्या मिठाइयाँ बना रहे? जलेबी तो सीधी बनती नहीं साले से। देखा टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनाते हैं। जलेबी बनाएगा साला ब्रो। जलेबी हमेशा टेढ़ी टेढ़ी होती है। तुम मेरी बात सुनो, जलेबी हमेशा टेढ़ी बनती है, पुराने जमाने से ऐसे ही बनती आई है। तो जो पुराने बुजुर्गों ने गलती की हम भी करें। पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करते थी, तू करेगी? करेगी करूंगी मैं, तुम्हें क्या, 12 बच्चे पैदा करेगी तू? वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं। देखो देख, तुम यहाँ से चले जाओ, वो सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उठ जाए। क्या उठ जाएगा वो? साला जाग रहा होता तो उठा नहीं जाता, सोए सोए क्या? देख, वो उठे ना उठे, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा। मेरे में हाथ उठ जाएगी? अपनी बड़ी बहन जैसे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाएगा? अनपढ़ गवार के लिए मेरे पे हाथ उठाएगी? देखो मेरे पति अनपढ़ गवार नहीं है, बहुत पढ़े हुए MBA है वो। MBA किया उसने? हाँ। किस में? दूध खोए में? और गवार है अनपढ़ साला तेरा पति। बलमर्ट्स की दुकान पे गया, मैंने कहा 2 किलो रसगुल्ले दे दे, कहता बोतल लाए। एक काम करते हैं, विलायत से पढ़ के आया तू, इसलिए मेरे पति को तू अनपढ़ बोल रहा है? अरे नहीं, मेरी तरफ मेरे में क्या कमी थी, विलायत से पढ़ के आया। अरे धिक्कार है ऐसे विलायत की पढ़ाई पर, अगर ऐसी हरकतें कर रही थी तो विलायत क्यों गया पढ़ने के लिए? तो क्या करूं, इधर कोई एडमिशन नहीं दे रहा था। गोली मार उस मोटे को, चल कहीं भाग चलते हैं। नहीं देव, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। क्यों? मेरी सांस फूलने लगती है। तेरा पति फूला हुआ, तेरी सांस तो फूलेगी। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? अरे यार तेरे मोबाइल पे कितना बड़ा जन्मदिन दिया था मैंने, तेरे जन्मदिन में कितने महंगा मोबाइल दिया था मैंने। वो बड़ा मोबाइल ना चाइनीज था, महीना भर भी नहीं चला। चाइनीज माल को दोष देती, तू तो इंडियन है, तू क्यों नहीं टिक गई? इसको पकड़ ले, इसको पहले तो पीती रही जोड़ी जोड़ी। और मेरी बात सुन, जो तेरे बर्थडे पे मैंने कार दी थी उसका क्या? वो कार, वो खटारा कार, इंजन तक नहीं था उसमें। ए गरीब की बच्ची, डिग्गी खोलेगी तो इंजन कहाँ से आएगा? कार के आगे होता है इंजन आगे। देखो देव, तुमने बहुत पी रखी है और यही वजह थी कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। काश तुम पीना छोड़ देते। हाँ सब यही कहते हैं, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, ऑटो करो खुद जाओ। घर छोड़। माँ कहती है पारो को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया माँ को। तुम कहती है दारू छोड़ दो। हाँ, क्योंकि तुम्हें दारू हजम नहीं होती। अबे कौन कमबख्त हजम करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ ताकि तेरे हलवाई की माँ बहने कर रहे हैं। मैं तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपनी चंद्रमुखी के पास। मेरी चंद्रमुखी? वो शख्स? अरे बेवकूफ, वो चंद्रमुखी नहीं है, वो तेरी माँ है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी? ज्वालामुखी। हाँ। दो यार जो देना करो, हमें सुखी गोली मारो। वाओ Wow! Wow! I didn't know he'd done stuff like that as well. Like totally different, like a total sketch. Like, you know, Dave Das, and he's acting, and her acting. They were like really good. I mean, I think I'm just like blown by, because normally you see, obviously we see a couple of Sharma show, and he's funny. And although I haven't watched it, you know. He can do anything. He's really good. Advertisements you've seen him do, you know. Took the Dev Das, like basically the sketch, the whole idea of it, Baro and everything, and then brought it into this like sort of comedy realm kind of thing like that.
He's very talented. Mm-hmm. And yeah, and that was it. That was the reaction. That was the video. Let us know what you guys thought. Don't forget to like, share, subscribe, and hopefully we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.